हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे न्यू स्टोरी एक की दुख की। तो आप सभी मेरे साथ पढ़ने के लिए रेडी हो? वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो ये कहानी है दो बहनों के बारे में, दो सिस्टर्स के बारे में। आइए शुरू करते हैं। एक की दुख की। दो बहनें थी, एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दोन केस वाली। एक केस वाली का मतलब एक बाल वाली, केस मीन्स बाल, हेयर, और दोन केस वाली मीन्स दो बाल वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। दोनों बहनें अपने अम्मा मीन्स मम्मी और पापा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे एक्की बुलाते थे। तो उसका निक नेम क्या था? एक्की। जैसे आपके भी निक नेम होते हैं ना, गोलू, मोलू, या आपको जो हम प्यार से आपके चाहने वाले बुलाते हैं उसे हम निक नेम बोलते हैं। तो एक का नाम था, जिसके एक बाल थे उसका नाम था एक्की। दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी, उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसे दोक्की बुलाते थे। अम्मा सोचती थी कि दोक्की जैसे सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं। अम्मा को दोक्की बहुत प्यारी लगती थी, सुंदर लगती थी, और बाबा, उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ। फुर्सत मीन्स अवकाश, समय। तो बाबा को तो टाइम ही नहीं था सोचने का, काम में जो उलझे रहते थे। उलझे रहना मीन्स फंसे रहते थे, बिजी रहते थे काम में। दोक्की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती। रौब जमाना मीन्स धौंस जमाना, ऑर्डर देना। एक दिन एक्की घने जंगल में गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था, चारों तरफ सन्नाटा में शांति थी। अचानक उसने एक आवाज सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। कोई एक्की से पानी मांग रहा था। एक्की रुकी और उसने चारों तरफ घूमकर देखा, वहां तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी, जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। मुरझाई में सूखी हुई तो मेहंदी की एक झाड़ी थी। यहाँ पे देखिए पिक्चर में मेहंदी की झाड़ी है, मेहंदी जिसे हम हाथों पे लगाते हैं फंक्शन में, शादी में, और हम आपने देखा होगा बहुत लोग इसे बालों में भी लगाते हैं। तो मेहंदी की झाड़ी थी जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। सरसराना मीन्स हवा चलने पे जो सूखे पत्तों से आवाज होती है उसे हम सरसराना बोलते हैं। तो वो मेहंदी की झाड़ कैसी थी? सूखी और मुरझाई हुई, क्योंकि उसे पानी नहीं मिला था। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। एक्की ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। चुल्लू में पानी भरना मीन्स यहाँ पिक्चर में देखिए, ये इसे हम बोलते हैं ऐसे, जब आप हाथों में पानी लेते हो मीन्स चुल्लू में पानी भरना। क्या आप सबने नल से ऐसे करके पानी पिया है? अगर हाँ तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद एक्की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। एक्की आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। एक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। मरियल मीन्स कमजोर, वीक। एक्की ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। इकट्ठा करना मीन्स जमा किया। तो उसने गाय को खिलाने के लिए घास फूस इकट्ठा किया और उसे खिला दिया। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। धन्यवाद एक्की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी। तो गाय ने उसे थैंक्स बोला। गाय ने कहा, एक्की अब चलते चलते थक गई थी। उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। तो एक्की सबकी मदद कर रही है ना, गाय की, मेहंदी की, झाड़ी की। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। एक्की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज लगाई, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। राह देखना मतलब इंतजार करना। आओ अंदर आओ। एक्की हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक्की थक गई थी तो उसे झोपड़ी में आकर बहुत अच्छा लगा।
बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। एक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं। एक्की को शर्म आ रही थी क्योंकि वो बूढ़ी अम्मा उसके लिए नहीं थी, उनसे वो कभी मैं पहले मिली हुई नहीं थी। अम्मा ने पुचकार कर कहा, पुचकार कर कहना मीन्स प्यार करना। अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। एक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ, सोचो क्या हुआ होगा। एक्की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं, परंतु परंतु मीन्स लेकिन, बट, बहुत सारे बाल थे। तो एक्की के सिर पे पहले कितने बाल थे, एक, और अब उसके सिर पे कितने बाल आ गए, बहुत सारे। एक्की इतनी खुश हुई कि वो खाना खा ही नहीं सकी। तो जब आप बहुत खुश होते हो, जब आपके लिए बहुत सारे मम्मी पापा गिफ्ट लाते हैं, तो आपको भी खाना खाने का मन नहीं करता ना, आपको मन करता है कब आप अपने फ्रेंड्स को दिखाओ। तो एक्की भी बहुत खुश हो गई, बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। एक्की के तो जैसे पंख ही निकल आए। पंख निकल आना मीन्स बहुत खुश होना। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। तो उसे गाय ने क्या दिया, मीठा मीठा दूध, और मेहंदी की झाड़ी ने उसे मेहंदी दी। हाथों पर रचाना मीन्स हाथों पर लगाने के लिए। घर पहुंचकर एकी ने सारी कहानी सुनाई। जो भी उसके साथ हुआ था उसने सब कुछ बताया अपने घर जाकर। दोकी कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। क्यों भागी होगी दोकी जंगल की तरफ, सोचो आप। दोकी इतना तेज भाग रही थी कि न उसने प्यासी झाड़ी और न ही भूखी गाय की पुकार सुनी। तो वो भी चाहती थी कि उसके भी सर पर बहुत सारे बाल आए, इसलिए वो बहुत तेजी में जंगल की तरफ भाग रही थी, और उसे न झाड़ी की आवाज सुनाई दे रही दी और ना ही भूखी गाय की आवाज सुनाई दी। तो आइए देखते हैं अब स्टोरी में आगे क्या हुआ। वह तो धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया। हुक्म देना मीन्स आदेश देना, ऑर्डर देना, और धड़धड़ाते हुए मीन्स बिना इधर उधर देखे भागना। तो उसने क्या आदेश दिया बूढ़ी अम्मा को, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने दोकी से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दोकी ने तौलिया सिर से हटाया, उसकी तो चीख निकल गई। चीख निकलना में जोर से चिल्लाना। दोकी ने दोकी के दो ही बाल थे और वे भी झड़ गए थे। तो दोकी को कितने बाल थे, दो बाल, और वो भी क्या हो गया, झड़ गए, निकल गए। रोते रोते दोकी घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए। ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्योंकि दोकी ने उनकी आवाज नहीं सुनी और ना ही उसने उनकी मदद करी। मगर अब दोकी अपना सबक सीख चुकी थी। तो अब दोकी सबक सीखना मतलब, सबक मीन्स सीख, शिक्षा, उसे शिक्षा मिल गई थी, है ना, सीख मिल चुकी थी कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। इसके बाद एक्की दुक्की अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। फिर देखिए यहाँ पिक्चर में दोनों बहनें एक साथ मिलकर रह रही हैं। पहले तो दुक्की बहुत घमंडी थी, लेकिन वो अब समझ चुकी थी कि अब हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। आई होप आपको भी ये कहानी अच्छी लगी होगी और आपने भी ये सीखा होगा कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।